भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे और निर्णायक वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को मिला है 270 रनों का लक्ष्य। 50 ओवरों में भारत को 5.40 प्रति ओवर रन की गति से रन्स बनाने होंगे। बड़ी बात यह है कि आज ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया यहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला। उनका फैसला पूरे तरीके से सही साबित हो रहा था जब तक यहाँ पर मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही थी। खास बात यह रही कि भारतीय टीम को इस मुकाबले में और डिसाइडर मुकाबले में अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा। आपको बता दें कि चेन्नई की विकेट टर्निंग विकेट है। शुरुआत बहुत अच्छी रही ऑस्ट्रेलिया की, दोनों ओपनर्स ने मिलकर 65 रनों की साझेदारी कर दी, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड के रूप में हार्दिक पांड्या ने पहली सफलता दिलाई टीम इंडिया को। 31 गेंदों में 33 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने ट्रेविस हेड। कुलदीप यादव ने उनका अच्छा कैच लपका। मिचेल मार्श 47 गेंदों में 47 रन बनाकर हार्दिक पांड्या की गेंद पर इनसाइड एज में आउट हुए। कप्तान स्टीव स्मिथ आज शून्य पर आउट हुए हार्दिक पांड्या की गेंद पर केएल राहुल ने उनका जबरदस्त कैच लपका। वही डेविड वार्नर 31 गेंदों में 23 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। हार्दिक ने उनका बेहतरीन कैच लपका। मानस लाभुषेन कुलदीप यादव का शिकार बने। शुभमन गिल ने उनका बहुत अच्छा कैच लपका। 45 गेंदों में 28 यहां पर मानस लाभुषेन ने बनाए, एक चौका एक छक्का अपनी पारी में जड़ा। एलेक्स एरी 46 गेंदों में 38 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। मार्कस स्टोइनिस 26 रन बनाकर 25 गेंदों में अक्षर पटेल का शिकार बने। शुभमन गिल ने उनका अच्छा कैच लपका। शॉन एबर्ट 23 गेंदों में 26 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हुए, दो चौके एक छक्के उन्होंने अपनी पारी में जड़े। एस्टन एगर 21 गेंदों में 17 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। अक्षर पटेल ने उनका बेहतरीन कैच लपका और अंत में मिचेल स्टार्क का विकेट यहां पर मोहम्मद सिराज ने चटकाया। रविंद्र जडेजा ने उनका एक बेहतरीन कैच लपका। कुल मिलाकर 49 ओवरों में 5.48 की रन गति से ऑस्ट्रेलिया टीम 269 रनों पर ऑल आउट हो गई। हालांकि इस पिच के लिहाज से देखा जाए तो 270 रन बहुत होते हैं, टीम इंडिया को संभल कर बल्लेबाजी करनी होगी। भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी 6 ओवर 37 रन कोई सफलता नहीं। मोहम्मद सिराज 7 ओवर 1 मैडम 37 रन 2 विकेट। अक्षर पटेल 8 ओवर 57 रन 2 विकेट। हार्दिक पांड्या 8 ओवर 44 रन 3 विकेट। रविंद्र जडेजा 10 ओवर 34 रन कोई सफलता नहीं। कुलदीप यादव 10 ओवर 1 मैडम 56 रन 3 विकेट, जिसकी बदौलत अब ये देखना होगा कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।